welcome everyone this is Suresh Naryal and you are watching naryal english classes today i will discuss with you some tips and tricks with example to solve the jumble words so let us start सो जम्बल मीन्स मिक्सअप इन अ कन्फ्यूज वे जम्बल का मतलब होता है कि इस तरीके से कोई चीज़ मिक्स हो कि सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाए कि आखिर ये है क्या आइए दो वर्ड देखते हैं पहले यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं और इन दोनों वर्ड्स के लेटर जो हैं वो जम्बल लेटर्स हैं तो जम्बल लेटर्स हमें इन दोनों वर्ड्स के कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि आखिर ये क्या वर्ड्स हो सकते हैं तो हमारा दिमाग भी थोड़ा सा चकरा रहा है लेकिन जब हम इन लेटर्स को प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें इनके मीनिंगफुल वर्ड सामने आएंगे तो ये जो वर्ड है ये मैंने जंबल के लिए लिखा था और ये जो वर्ड है ये मैंने बुक के लिए लिखा था तो इनके मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे जंबल और बुक तो देखा आपने कितना आसान थे ये वर्ड लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे तो इसी तरीके से जो आपने एक सेंटेंस में वर्ड्स को रीअरेंज करना है वो भी इतना इजी तरीके से हो जाएगा आप वीडियो के अंत तक बने रहिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस कि आप वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस उसका बने सो so, uh, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ एक रूल्स दे रखे हैं उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना रीऑर्डरिंग रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल वर्ड्स इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज एंड शुड बी टेकन सीरियसली ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है इतना ईजी काम नहीं है लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा

अब यहाँ पर इनको हमने इस तरीके से अरेंज करना है कि आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए तो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढ लो आपका सब्जेक्ट है ही और प्रेडिकेट है आपका इज गोइंग तो ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा ही इज गोइंग अब सब्जेक्ट समझिए सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला अब वह यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वह क्या कर रहा है जा रहा है इट मीन्स प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग सब्जेक्ट क्या करता है ये हमें प्रेडिकेट से पता चलता है तो ये तो था सिंपल अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं रूल नंबर टू यहां पर मैंने लिखा है अगर सेंटेंस में वर्ड्स ज्यादा हैं तो आप ये रूल फॉलो कीजिए पहले सब्जेक्ट देखिए उसके बाद वर्ब देखिए फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स अगर आपने सब्जेक्ट देखना है तो सेंटेंस के जो जम्बल वर्ड्स होंगे उसमें सब्जेक्ट आपको दो तरीके से मिल सकता है या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा अगर नाउन हुआ तो किसी का नाम हो सकता है नाउन मीन नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग और प्रोनाउन हुआ तो वो नाउन की जगह वर्ड लगेगा तो वो जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन या फिर आपका एवरी वन समन हिम हर तो ये आपके प्रोनाउन हो सकते हैं तो सब्जेक्ट आपको ज़्यादातर इन्हीं दो रूपों में मिलेगा उसके बाद आपने बर्ब देखना है अब कॉपी और पेन लीजिए और जो मैं बताता हूँ नोट कीजिए बर्ब को आप देखिए और बर्ब का पता लगाइए बर्ब से कुछ एक प्रश्न ढूंढने की कोशिश कीजिए कि बर्व क्या बता रहा है क्या कैसे किसको कब कहाँ इन सभी के आंसर आपको बर्ब देगा तो बर्ब आपको बताएगा वो आपके आगे के वर्ड्स होंगे वो अदर वर्ड्स होंगे वो ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा तो इस तरीके से आपका ये रूल नंबर टू है सो अस सी एन एग्जांपल यहाँ से एक एग्जांपल देखते हैं रिमेंबर वी हिम डिस्ट्रेस इन ओनली और इस एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो रूल फॉलो करिए पहले सबसे पहले ढूंढिए आप सब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट आ रहा है वी नंबर वन पे इसको लिखिए सब्जेक्ट के बाद आपने बर्ब ढूंढना है अब बर्ब आपका यहाँ पर है देखिए हिम वर्ब नहीं हो सकता ये वर्ब नहीं है इन वर्ब नहीं है अब डिस्ट्रेस और रिमेंबर में देखिए तो यहाँ पर आपका रिमेंबर जो है ये वर्ब है ये नंबर टू पर आएगा बी रिमेंबर मैंने अभी आपको बोला था कि कॉपी पेन लेके नोट कीजिए कि बर्ब आपको क्या बताता है तो बर्ब है आपका रिमेंबर और रिमेंबर का मतलब होता है याद करना अब याद क्या किया जा रहा है तो यहां पर आप पता लगाइए उसको याद किया जा रहा है अब किसके लिए याद किया जा रहा है वो आपका नेक्स्ट वर्ड होगा तो आपका ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाएगा बी रिमेंबर हिम इन डिस्ट्रेस ओनली कि हम उसको केवल परेशानी में याद करते हैं तो इस तरीके से ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया बहुत ही इजी था इसको फ्रेम करना पहले हमने सब्जेक्ट का पता लगाया फिर हमने बर्व का पता लगाया और जब बर्व का पता लग गया कि याद क्या किया जा रहा है याद उसको किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है इन डिस्ट्रेस ऑनली तो इस तरीके से आप मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इन लाइक आनली द टू वेकअप आई मॉर्निंग अब इसको सही तरीके से अरेंज कीजिए अब इसका सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए तो सब्जेक्ट आपका आई है उसके बाद आप वर्ब ढूंढिए तो वर्ब आपका लाइक like है अब आपका दो पहले दो वर्ड आपको पता चल गया आई लाइक लाइक का मतलब होता है पसंद करना अब क्या पसंद किया जा रहा है टू बेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग तो आप इसका मीनिंगफुल सेंटेंस लिखेंगे आई लाइक टू बेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग अब देखिए कितना आसान हो गया पहले सब्जेक्ट ढूंढिए फिर वर्ब अब वर्ब जब आपको मिल जाता है लाइक like का मतलब होता है पसंद करना क्या पसंद किया जा रहा है सुबह जल्दी उठना तो इस तरीके से आप easily सेंटेंस जो है वो रीअरेंज कर पाएंगे लेट अस मूव टू नेक्स्ट रूल रूल नंबर थ्री अगर आपका सेंटेंस मान लो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे तो सब्जेक्ट का पता लगाइए और फिर हेल्पिंग वर्ब देखिए फिर मेन वर्ब देखिए देखो वर्ब जो है आपका अगर आपको सेंटेंस में दो वर्ब नज़र आ रहे हैं तो एक आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा आपका मेन वर्ब होगा मेन वर्ब को आप एक्शन वर्ब भी कहते हैं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे तो एग्जांपल यहां पर दे रखा है थैंकफुल टू गॉड शुड वी बी इट फॉर अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट आपका वी है हेल्पिंग वर्ब आपको यहां पर शुड मिल रहा है देखने को अब ये जो शुड है ये आपका मॉडल है तो इट मींस हेल्पिंग वर्ब में आपका मॉडल भी आ सकता है और जब मॉडल लगा होगा वुड शुड तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रही है बी वी वॉज बीन तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस देखो अभी शुरुआती कैसे बन रहा है बी शुड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया मेन वर्ब आपका बी बी शुड बी अब बी शुड बी बी का मतलब है होना चाहिए क्या होना चाहिए धन्यवादी होना चाहिए थैंकफुल किसका भगवान का टू गॉड तो देखो अब आपका सेंटेंस बन गया बी शुड बी थैंकफुल टू गॉड अब किस लिए होना चाहिए फॉर इट अगले वर्ड ये आप लगा देंगे अदर वर्ड्स में तो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा बी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर इट अभी मैंने आपको बताया था पहले आपने सब्जेक्ट लिखा फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको ये मॉडल मिला था लिखने को और उसके बाद आपने मेन वर्ब लिखी जिसको हम एक्शन वर्ब भी बोल रहे हैं बी और बी का मतलब होता है होना अब क्या होना चाहिए धन्यवादी होना चाहिए भगवान का तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा लेट लेटस मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल द रूम ब्यूटिफुली यू डेकोरेटेड वेरी हैव अब आप भी इसको इजिली कर लेंगे करो जरा करो प्रैक्टिस कर लिया तो आइए देखते हैं सबसे पहले आप ढूंढो सब्जेक्ट सब्जेक्ट है आपका यू उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा हैब तो आपके दो वर्ड बन गए यू हैब अब उसके बाद मेन वर्ब देखिए तो मेन वर्ब है डेकोरेटेड अब आपका सेंटेंस बन गया यू हैव डेकोरेटेड अब डेकोरेट का मतलब होता है सजाना और मैंने कहा था कि बर्ब आपको क्या बताता है बर्ब आपको उत्तर देता है इन प्रश्नों का क्यों कब कैसे क्या कहाँ तो यहाँ पर सजाया किसको सजाया जा रहा है तो आप इसको लिखेंगे यू हैव डेकोरेटेड द रूम वेरी ब्यूटिफुली सो लेट अस मूव टू रूल नंबर फोर अब मान लो आपका सेंटेंस थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर क्या करेंगे आप अब रूल नंबर फोर में देखिए ये लगभग रूल नंबर थ्री के बराबर ही है सारा लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है अगर सब्जेक्ट में आपके मान लो एक वर्ड से ज़्यादा हुए तो आप क्या करेंगे सो इफ सब्जेक्ट कंटेन्स मोर देन वन वर्ड देन आर्टिकल विल कम फर्स्ट अगर सब्जेक्ट में दो वर्ड हुए एक से ज़्यादा वर्ड हुआ तो आप आर्टिकल को पहले लिखेंगे माइंडेड इस चीज को नोट कर लें अब आओ एग्जाम्पल से करते हैं थोड़ा इजीली पता चल जाएगा एग्जाम्पल लिया है एम्पर दिताज बाय विल्ट शाह वॉस अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट ढूंढिए आप अब सब्जेक्ट है आपका दीताज अब देखो ये दो वर्ड है और दो वर्ड है तो आर्टिकल पहले आ रहा है दी आप पहले लिख रहे हैं सब्जेक्ट आ गया आपका उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब देखिए तो हेल्पिंग वर्ब है आपका वॉज वॉज वर् आपके हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर आप लिखेंगे ताज बॉज दो आपके वर्ड क्लियर हो गए इनको अब आप काट भी सकते हैं कि ये दो क्लियर हो गए उसके बाद मेन वर्ब अब मेन वर्ब इसमें देखो ये तो नाम है यहां पर ये आपका मेन वर्ब है एम्पर नहीं हो सकता तो मेन वर्ब है आपका बिल्ट अब इस वर्ड को साथ में ऐड कर दें, दी ताज वॉज बिल्ट अब बिल्ट का मतलब होता है निर्माण करना अब फिर वही बात आ गई बिल्ट का मतलब होता है निर्माण करना और बिल्ट है आपका मेन वर्ब अब मेन वर्ब आपको क्या बताता है कि क्या कहाँ कैसे किस लिए तो यहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है उसको कौन कर रहा है शाहजहाँ कर रहा है शाहजहाँ कौन है एम्प्रर है तो आपका एम्प्रर शाहजहाँ आएगा और इसमें साथ में प्रपोजिशन वाइज लग जाएगा तो आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा दि ताज वॉज बिल्ट वाई एम्प्रर शाहजहाँ तो ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस होगा तो इस तरीके से आप इजिली सेंटेंस को रीअरेंज कर लेंगे आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए लेट एस मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है द प्रॉब्लम्स दी हॉर्डर्स मोर एंड मेड दी ब्लैक मार्केटियर्स हैव ग्रेव अब देखो सेंटेंस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं लेकिन आसान बहुत है यहाँ पर देखिए पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढना है अब सब्जेक्ट है आपका हॉडर्स मार्केटियर्स अब ये इसमें दी ब्लैक मार्केटियर्स और दी होर्डर्स अब दो सब्जेक्ट हैं आपके अब आपको पता है कि दो सब्जेक्ट को हमने सेपरेट करना हो तो हम एंड से करते हैं तो आपका शुरुआती जो वर्ड्स बने दी होर्डर्स एंड दी ब्लैक मार्केटियर्स ये आपका सब्जेक्ट आ गया अब अब देखो सब्जेक्ट में दो से ज़्यादा वर्ड होंगे अब इसमें दो से ज़्यादा वर्ड हों तो इट मीन्स वो प्लूरल है और प्लूरल फॉर्म में है तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आएगा तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया अब इसके बाद देखिए मेन वर्ब कौन सा लगेगा आपका सेंटेंस अभी तक बना द होडर्स एंड द ब्लैक मार्केटियर्स हैव अब हैव के बाद मेड आपका मेन वर्ब है मेक मेड मेड अब मेड का मतलब होता है बनाना अब मैंने कहा था कि वर्ब आपको बताता है अगले वर्ड्स के बारे में तो क्या बन रहा है दी होर्डर्स एंड द ब्लैक मार्किटियर्स हैव मेड द प्रॉब्लम मोर ग्रेब तो ये आपका आंसर आएगा कि जो जमाखोर हैं और कालाबजारी करने वाले हैं उन्होंने समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया है तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली जम्बर वर्ड्स को अरेंज करके उसको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दिस फिनिशेज माई वीडियो आई होप यू लाइक डिट यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए आप शेयर कीजिए और फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू